हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? यो पाप से भी बढ़िया होंगे दोस्तों। एक बार फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल मैच के बारे में, जो कि फिलहाल खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। और दोस्तों अगर आप इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाना चाहते हैं या ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, तो आपको इस मैच से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन कि सही सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पिच रिपोर्ट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है तो इस ग्राउंड पे किस प्रकार से बैट्समैन बॉलर्स को हेल्प मिलती है, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसा है इन दोनों टीम का, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, एक दूसरे के अगेंस्ट में करके खेलती है तो किस प्रकार से बैट्समैन बॉलर्स को हेल्प मिलती है, और दोनों टीम का जो परफॉर्मेंस है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस प्रकार से है, कैप्टन वाइस कैप्टन, टॉप डिसमिसल, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट की भी सटीक जानकारी यहां पे मैं देने वाला हूं, और कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए वो भी, तो वीडियोस के साथ आपको एंड तक जरूर बने रहना है। दोस्तों आप सभी लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं आपको हर वीडियोस में यही बताता हूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो सर्च बॉक्स होता है वहां पर जाइए और आपको इस प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम इंटर कर देना। दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप क्या करना है, आपको पिन का मैसेज देख लेना है, ठीक है, और जैसे ये देखेंगे सेम आ रहा है तो समझ लीजिए मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है। आप क्या करना है, ज्वाइन का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में होता है दोस्तों, और आपको यहाँ पे सारे अपडेट मेरे मिल जाते हैं और जो टीम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है। मैं ज्यादातर रियल 11 पे खेलता हूँ क्योंकि यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन होता है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप लाखों विन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं दोस्तों, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म की टीम यहाँ पे मैं आपको भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियोस आपको ध्यान से देखने, क्योंकि यहाँ पे अब जो मैं आपको बताने वाला बहुत काम की चीज रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस के अंदर बता दूंगा, एंड दोस्तों यहाँ पे फुल एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ हर एक प्लेयर की, ठीक है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस को अभी से लाइक कर दीजिए, एंड दोस्तों वीडियोस का लाइक एम हम रखते हैं 20, तो 20 होप है कि आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, कितना ज्यादा प्यार बनाए आप हैं, तो फिलहाल बनाए रखें हमेशा ऐसा प्यार। और दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए कि कौन सी टीम यहाँ पे फाइनल खेलने वाली है और फाइनल जीतने वाली है इन दोनों टीम से, ठीक है, तो वो आप बताइए, और फाइनल कौन सी टीम यहाँ से पहुंचेगी इस दोनों टीमों से, और उसके बाद फाइनल कौन वर्ल्ड कप लेकर के जाएगा वो भी आप बता दीजिए कमेंट्स करके। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैच की। तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है, और उसके साथ साथ दूसरा मैच है जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, उसका भी मैं प्रेडिक्शन वीडियोस बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, बाकी टीम का जो उसको मैंने डाल दिया वीडियोस, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। स्टार्ट कब होगा, 9 नवंबर 1:30, ये दोपहर में खेला जाएगा। लेटेस्ट न्यूज ऑफ न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो जो दोस्तों न्यूजीलैंड टीम जो अभी तक रिसेंटली 4 मैचेस खेली जिसमें 3 विन है 1 लॉस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं तो 5 टोटली मैच खेल चुकी है, इसमें 3 विन है 2 लॉस है, एंड जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करने वाले थे रिसेंटली मैचेस में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको क्लियर करने ही वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो फिलहाल यहाँ पे टोटल मैच जो कि खेले गए हैं दोनों टीम के बीच में 28, जिसमें न्यूजीलैंड ने 11 विन किए हैं, पाकिस्तान ने 17, तो कहीं ना कहीं आपको ये देख करके लग रहा है कि पाकिस्तान का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी रहेगा न्यूजीलैंड के ऊपर, और जहां तक ये मैच भी पाकिस्तान ही विन करने वाले हैं, बट दोस्तों फाइनल में पाकिस्तान जैसे ही पहुंचेगी तो वहां पे इंडिया रहेगी और इंडिया विन रहेगी, ठीक है दोस्तों, ये मुझे लग रहा है और ये ऐसा होगा भी। एंड इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों ये मैच जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। अगर यहाँ पे रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस की बात करते हैं, जो मैच यहाँ पे खेले गए, देखिए श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, श्रीलंका ने यहाँ पे 141 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, वहीं इंग्लैंड चेस करते हुए 144 रन बना करके 6 विकेट के नुकसान पे मैच को विन कर लिया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस बॉलर्स को हेल्प मिली थी यहाँ पे पहले मैच में, तो देखेंगे दोस्तों स्पिन बॉलर्स ने यहाँ पे 5 विकेट ली थी और फास्ट बॉलर्स टोटली दोनों टीमों से 8 विकेट, तो यहाँ पर मतलब फास्ट बॉलर्स इंपोर्टेंट रहेंगे, जो पेस बॉलर्स होंगे, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद ये 39वां मैच रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो दूसरा मैच यहाँ पे इस ग्राउंड पे हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके 185 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, साउथ अफ्रीका चेस करते हुए 108 रन 9 विकेट के नुकसान पे, एंड यहाँ पे स्पिन बॉलर्स को 2 विकेट मिली थी, फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे 13 विकेट मिली थी दोस्तों, ठीक है। और ये 36वां मैच था T20 वर्ल्ड कप 2022 का। और उसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका ने भी खेला, जबकि न्यूजीलैंड ने 167 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पे, और श्रीलंका इसी ग्राउंड पर 102 रन बना करके ऑल आउट हुई थी, स्पिन बॉलर्स को यहाँ पे 6 विकेट मिली थी और फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट, दोनों टीम को मिलाकर के दोस्तों, मतलब देख रहे कहीं ना कहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फास्ट बॉलर्स यानी कि जो पेस बॉलर्स है उनको इंपोर्टेंट मिल रही है और उनके लिए फ्रेंडली पिच हो रही है, मतलब उनको ज्यादा हेल्प मिल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों फास्ट बॉलर और मीडियम फास्ट बॉलर्स कौन होंगे, जो पेस बॉलर्स होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड के पोबल प्लेइंग के बारे में, तो फाइन इलेवन और यहाँ पे डेविन कॉर्नी दोनों को दोनों ओपन करने वाले थे। अगर हम बात करते हैं फिन इलेवन के बारे में, तो 4 मैचेस खेले रिसेंटली, 91 रन है, 22 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, एंड हेड टू हेड की अगर बात करते हैं 3 मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेले जिससे 87 रन बनाए, 29 का एवरेज है,
और दोस्तों ये बैटिंग पिच होने वाले भी, ठीक है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब 29 की ओवर से पाकिस्तान के अगेंस्ट में बैटिंग करें तो टीम में रखने लायक प्लेयर हो सकते हैं फिनलैंड दोस्तों, ठीक है। और वेन्यू की बात करते हैं तो इस ग्राउंड पे इन्होंने दो मैच खेले जिसमें 43 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। तो मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके टीम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ग्राउंडिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि 21 का एवरेज यहाँ पे वेन्यू पे मार रहे हैं और एवरेज जो कि यहाँ पे 29 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं हेड टू हेड में, तो टीम में आप इनको रख लीजिए। डेविड कॉर्नर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो चार मैच रिसेंटली 124 रन 41 का एवरेज है, हेड टू हेड में अगर हम बात करते हैं 7 मैच में 194 रन है 38 का एवरेज है। और दोस्तों अगर हम इस ग्राउंड की बात करते हैं 2 मैचेस खेले 93 रन है और 93 का एवरेज है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि डेविड कॉर्नर भी यहाँ पे बढ़िया रहेंगे, बैटिंग पिच होने वाली है। और न्यूजीलैंड जो आपने देखा श्रीलंका के अगेंस्ट में जो फिलहाल बैटिंग करी है उसमें डेविड कॉर्नर ने काफी अच्छा रन मारा था दोस्तों, तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले डेविड कॉर्नर फिनलैंड, तो आप दोनों को इनको ट्राई कर सकते हैं। केन विलियमसन की बात करते हैं दोस्तों फिलहाल रिसेंटली 4 मैच में 132 रन है 23 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। और हेड टू हेड अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के गेंद में इन्होंने 18 मैच खेले हैं जिसमें 538 रन है 35 का एवरेज से बैटिंग करते हैं। और वेन्यू की अगर हम बात करें तो 3 मैच में 39 रन है और 13 का एवरेज है, मतलब इस ग्राउंड पे केन विलियमसन फ्लॉप है बट हेड टू हेड में बढ़िया कह सकते हैं 35 का एवरेज। तो चाहें तो आप एक टीम में इनको ड्रॉप करिए और एक टीम में रखिए, कैप्टन रिस्क कैप्टन रिस्क, बिल्कुल आपको केन विलियमसन के ऊपर नहीं लेना दोस्तों। ग्लेन फिलिप्स की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली 4 मैचेस उन्होंने खेले 195 रन और 1 शतक भी इन्होंने लगाया है एंड उसके साथ साथ 48 का एवरेज से बैटिंग कर रही है। हेड टू हेड की बात करते हैं पाकिस्तान के 12 मैच खेले 165 का रन है इनके, 16 का एवरेज है, हेड टू हेड में कुछ ठीक नहीं है। वेन्यू अगर हम बात करते हैं दोस्तों वेन्यू पे यहाँ पे 2 मैचेस पे 116 रन 58 का एवरेज है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वेन्यू पे बढ़िया कर रहे हैं और ये हेड टू हेड में पाकिस्तान के अगेंस्ट में फ्लॉप है दोस्तों। तो मतलब बैटिंग पीछे है तो फर्स्ट इनिंग अगर यहाँ पे जो कि मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड बैटिंग करते हैं तो ग्लेन फिलिप्स को आप ट्राई करिए, बट कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी रिस्की होने वाले दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टीम के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप है, वेन्यू पे बढ़िया कर रहे हैं, टीम में रखने लायक रहेंगे। डेरिल मिचेल की बात करते हैं दोस्तों 3 मैच इन्होंने खेले 56 रन बनाए 28 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, 1 मैच इन्होंने खेला पाकिस्तान के 27 का एवरेज है, बढ़िया है 27 रन बनाए। वेन्यू पे 1 मैच खेलकर 22 रन, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर देखते हैं डेरिल मिचेल भी टीम में ग्रांट लीग के रखने लायक प्लेयर होगा और सेफ प्लेयर होगा और आपको ट्रम्प कार्ड के तौर पे इसको यूज जरूर करना अपने टीम में। डेरिल मिचेल को आप देख सकते हैं 27 के एवरेज से अगेंस्ट में बैटिंग और उसके बाद 22 रन यही इसी ग्राउंड पे 1 मैच में, तो मतलब आप समझ सकते हैं इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं दोस्तों। डेरिल मिचेल को फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा सा बोर लगने लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डेरिल मिचेल टीम में रखने लायक प्लेयर रहेंगे, जेम निसम की हम बात नहीं करने वाले दोस्तों, बट अगर आप देखते हैं तो हेड टू हेड बिल्कुल ये फ्लॉप है। एंड वेन्यू अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस वेन्यू पे 31 रन 2 मैचेस बनाए, 31 का एवरेज भी है और बाकी टीम में रखने लायक तो आप पता है कि नहीं रहने वाले ये। मिचेल सैंटनर की बात करते हैं 4 मैचेस में 27 रन प्लस 8 विकेट है रिसेंटली। एंड उसके बाद हेड टू हेड बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 मैच में 10 इनिंग करा करके 12 विकेट है, मतलब कि यहाँ पे भी इस मैच में भी इनको विकेट मिलने वाली है, बट जो पिच है वो पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पिन फ्रेंडली नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब बढ़िया विकेट लगेगा। उस ग्राउंड की अगर बात करते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो कि मिचेल सैंटनर ने 3 मैचेस खेले जिसमें 3 में 3 इनिंग करा बॉलिंग करा करके 5 विकेट है, मतलब ये टीम में रखने लायक रहेंगे और सेफ प्लेयर रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको चूज कर सकते हैं दोस्तों, 2 तक इनको विकेट मिल सकती है इस मैच में। टीम साउथ की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली 3 मैच खेले हैं जिसमें 7 विकेट हैं और हेड टू हेड बॉलिंग की बात करते हैं 17 मैचेस में 17 इनिंग बॉलिंग करके 28 विकेट है भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो भाई मतलब आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं टीम साउथी को। ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों 4 मैच में 4 इनिंग में 6 विकेट है इसी ग्राउंड पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, मतलब टीम साउथी भी एक ट्रम्प कार्ड होने वाले इस मैच में और आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टीम साउथ ही मिचेल सैंटनर के दोनों के दोनों परफेक्टली प्लेयर होने वाले हैं। इस साउथी की अगर बात करते हैं दोस्तों 4 मैच रिसेंटली खेले जिसमें 6 विकेट हैं और हेड टू हेड बॉलिंग की बात करते हैं 14 मैच इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेले, फिलहाल 14 इनिंग में 10 विकेट है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है हेड में और इनको विकेट जो है ना मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वेन्यू की अगर बात करते हैं 3 इनिंग में 3 विकेट इनको मिल रही है, तो मतलब सभी टीम में आप इस चौधरी को लेकर के बिल्कुल मत जाएं दोस्तों, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको लेने में टीम में रखने में, तो उस आप सोच लीजिए क्योंकि हेड में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब बात करते हैं लोकी फर्गूसन जो कि पेस बॉलर्स हैं, ये स्पिन बॉलर्स भी हैं इस होती। लोकी फर्गूसन अगर आप देखते हैं तो फास्टर है एंड फास्टर को हेल्प भी मिला, 4 मैचेस रिसेंटली खेले 7 विकेट निकाले हैं, हेड टू बॉलिंग 1 इनिंग में 1 विकेट मिलती जा नजर आ रही है। वेन्यू अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2 इनिंग में 2 विकेट इनको मिल रही है, मतलब ये सेफ रहेंगे लोकी फर्गूसन और 1 विकेट तक मिल सकती है। ट्रेंट बोल्ट की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो ट्रेंट बोल्ट रिसेंटली 4 मैच खेले 6 विकेट है और हेड टू बॉलिंग में 9 इनिंग में 5 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मतलब हेड टू में बिल्कुल फ्लॉप है, कोई विकेट इनको नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के गेंस में दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान के गेंस में बिल्कुल फ्लॉप है। वेन्यू अगर हम बात करते हैं 3 इनिंग में 8 विकेट हैं, ग्राउंड पे बढ़िया है बट यार पाकिस्तान के गेंद में बिल्कुल ही फ्लॉप है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात रहेगी, रखेंगे टीम में तो ये रिस्की रहने वाले हैं। ग्राउंड पे तो बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, बट वेन्यू पे अगर आप वेन्यू पे बढ़िया कर रहे हैं ग्राउंड पे भी बढ़िया कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए
हेड टू हेड बिल्कुल फ्लॉप है। 9 इनिंग में 5 विकेट, 9 मैचेस में 5 विकेट कुछ मायने नहीं रखती, तो यार रिस्क की प्लेयर होने वाला टीम में रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं पाकिस्तान के पावर प्लेइंग के बारे में दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ये दोनों ओपन करने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान 5 मैचेस खेल ली, 103 रन है, 20 का एवरेज है। और हेड टू हेड में देखते हैं न्यूजीलैंड के केस में 8 मैच खेला इन्होंने, 219 रन, 27 का एवरेज है। वेन्यू पे 2 मैच, 35 रन, 17 का एवरेज है, मतलब ग्राउंड पे फ्लॉप है और ना ही कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं अगेंस्ट में, 27 का एवरेज है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क आप बिल्कुल भी मत उठाइएगा गाइस, क्योंकि टीम साउथ ही देख रहे हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी हम टॉप डिसमिसल भी देख रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को किसने आउट किया, बाबर आजम को कौन आउट करके, डेविन कॉन को कौन आउट करके जा रहा है, वो भी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीम में रखने लायक प्लेयर रहने वाले हैं बाबर आजम की बात करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन क्रिस मोहम्मद रिजवान के ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। 5 मैच रिसेंटली खेले, 39 रन, 7 करज बिल्कुल फ्लॉप है। हेड टू हेड में 10 मैच खेले, 367 रन, 44 करज है, मतलब यार हेड टू हेड में बढ़िया है बाबर आजम। वेन्यू अगर बात करें दोस्तों, 2 मैच इस ग्राउंड पे जो कि बाबर आजम ने खेले, 65 रन बनाए हैं, तो ठीक ठाक कह सकते हैं मतलब टीम में रखने लायक ये प्लेयर होने वाले हैं। और अगेंस्ट में तो बढ़िया कर रहे हैं यार, बट जिस हिसाब से रिसेंटली परफॉर्मेंस है तो उस हिसाब से फ्लॉप है, बट टीम में आप इनको जरूर ट्राई करिए। मोहम्मद नवाज की अगर बात करें दोस्तों, मोहम्मद नवाज यहाँ पे फिलहाल 5 मैच में 63 रन और विकेट 2 हैं, पता है कि आपको स्पिन कवर नहीं मिल रहा है, स्पिन बॉलर्स हैं, बैटिंग भी कुछ ठीक ठाक नहीं हो रही है। उसके बाद हेड टू हेड की बात करते हैं, 4 मैचेस में 61 रन है और 4 इनिंग में 3 विकेट हैं। वेन्यू की अगर बात करते हैं दोस्तों, 1 मैच में 28 रन इन्होंने बनाए हैं और 1 इनिंग में कोई विकेट इनको नहीं मिल रही है। तो मतलब मोहम्मद नवाज को आप एक ही टीम में रखिए, ज़्यादा टीम में आप बिल्कुल मत सेलेक्ट करिए। मोहम्मद आरिस आपको मिलेंगे विकेट रिस्ट्रिक्शन में और 2 मैचेस खेले हैं, काफ़ी अच्छी पारी खेली, 59 रन बनाए हैं, 29 केयर से बैटिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड में 1 भी मैच उन्होंने नहीं खेला जो कि न्यूजीलैंड के गेम्स में, और बट यहाँ पे वेन्यू पे 1 मैच उन्होंने खेला, 28 रन बनाए। तो मतलब मोहम्मद आरिस टीम में रहेंगे और रिटर्न बैट्समैन है दोस्तों, 20 से 25 गेंद अगर खेलता है तो मतलब ठीक ठाक आपको पॉइंट्स देकर के जाएगा। शान मसूद अगर हम बात करते हैं तो 5 मैचेस खेले, 134 रन है, 44 केयर से बैटिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड की अगर बात करते हैं, 3 मैच खेले जो कि न्यूजीलैंड के गेम्स में, 33 रन है, कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है। वेन्यू की हम बात करते हैं दोस्तों, 1 मैच में 2 रन है, मतलब कि ये बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर है शान मसूद, ना ही गेम्स में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना ही ग्राउंड पे। तो शान मसूद को आप टीम से ड्रॉप कर दीजिए, एक टीम में बहुत हो जाएगा तो रख लीजिए। अगर 5 टीम आप बनाते हैं वो भी रियल रन पे, तभी आप रख लीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रियल रन पे आपका लॉस नहीं होता, 1-2 प्लेयर फ्लॉप भी होते हैं फिर भी आपका विनिंग जो होता है हो जाती है, बट ड्रीम इलेवन पे ऐसा होता नहीं दोस्तों, ठीक है। तो रियल पे 5 टीम से जाते हैं तो एक टीम में रख लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर होने वाला है। इफ्तिकार अहमद 5 मैच में 114 रन, 28 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। 4 मैच रिसेंटली इन्होंने हिटेड रिकॉर्ड्स खेले हैं जो कि न्यूजीलैंड के गेम्स में, 66 रन है और 1 मैच में इनको ऐसी बैटिंग मिली जिसमें 66 रन बनाए थे। और वेन्यू की बात करते 2 मैचेस में 52 रन है, 52 का एवरेज है, तो मतलब बढ़िया कह सकते हैं इफ्तिकार अहमद टीम में रखने लायक प्लेयर रहेंगे। हेड टू हेड में बढ़िया कर रहे हैं और ग्राउंड पर भी बढ़िया कर रहे हैं सिडनी के ग्राउंड में, तो आप टीम में रख लीजिए इनको। शादाब खान की अगर बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे शादाब खान सभी लोगों को कैप्टन होने वाले, बट अगर हम देखते हैं हेड टू रिकॉर्ड्स किस प्रकार से रखने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, वेन्यू पे किस प्रकार से वो देखते हुए क्या मतलब प्रेडिक्शन कहता है वो हम देखेंगे। 5 मैच में 78 रन प्लस 10 विकेट, एंड उसके साथ साथ अगर हम 78 रन प्लस रन दोस्तों, ठीक है। एंड उसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल इनके परफॉर्मेंस की, हेड टू रिकॉर्ड्स की, तो 13 मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के गेम्स में खेले, 88 रन है, 14 का एवरेज है। और हेड टू बॉलिंग की बात करते हैं दोस्तों, 13 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करी, 13 मैचेस में 11 विकेट हैं, मतलब आप यहाँ पे देखिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों ठीक नहीं है, मतलब कि कोई कंफर्म नहीं है कि इन अगेंस्ट में इनका विकेट मिल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। बट एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ कि वेन्यू की अगर बात करते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड तो फिलहाल 2 मैच खेले, 52 रन है, 52 एवरेज है। वेन्यू बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड पर इन्होंने 1 मैच में बॉलिंग कराई, 2 विकेट भी मिल रहे हैं इनको, तो दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि पिच पे बढ़िया कर रहे हैं ये, ठीक है, पिच पे बढ़िया कर, बट अगेंस्ट में न्यूजीलैंड के केस में ठीक परफॉर्मेंस शादाब खान का नहीं है, तो ये भी एक तरीके से रिस्की रहने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। बट टीम में रहेंगे क्योंकि स्पेस इनके पास, स्पिन बॉलर्स भी हैं, स्पिन फ्रेंडली पिच है भी नहीं, ये भी आप ध्यान रखिए। मोहम्मद वसीम जूनियर की अगर बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे ये पेस बॉलर्स रहेंगे और फास्टर हैं, उसके साथ अगर बात करते हैं 4 मैचेस में 7 विकेट हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि 1-2 ओवर स्पिन के भी दिए जा रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम बॉलर्स इनको बनाया जा रहा है, पूरे ओवर भी नहीं मिल रहे दोस्तों। और हेड टू हेड बॉलिंग अगर बात करते हैं, इन्होंने 4 इनिंग खेली, 4 मैचेस खेले हैं, न्यूजीलैंड के 3 विकेट हैं, ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मतलब इनको आप टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, सेफ प्लेयर ये नहीं रहने वाले क्योंकि इनके स्पेल के ओवर भी नहीं मिलते। अगर स्पेल के 4 ओवर मिलेंगे तो मैं आपको टीम में लेकर के जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बट सभी टीम में आप मोहम्मद वसीम जूनियर को बिल्कुल भी मत लेकर के जाइए। नसीम शाह की अगर बात करते हैं दोस्तों, फास्टर बॉलर्स हैं एंड उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पिच भी फास्ट बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाली है रिसेंटली। हेड टू हेड बॉलिंग की अगर बात करते हैं, 2 मैच में 2 इनिंग में 2 विकेट हैं न्यूजीलैंड के गेम्स में, मतलब विकेट मिलती नजर आ रही है इनको। वेन्यू की अगर बात करते हैं, 1 मैच में 1 विकेट है, मतलब नसीम शाह को आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। हैरिस रोफ की अगर बात करते हैं दोस्तों, 5 मैचेस में और फिलहाल 6 विकेट हैं अभी रिसेंटली। एंड वेन्यू की अगर बात करते हैं तो 1 इनिंग में 1 विकेट मिलती नजर आ रही है, बट अगर आप देखते हैं 6 इनिंग न्यूजीलैंड के गेम्स में हैरिस रोफ ने खेली, 14 विकेट हैं,
मतलब डबल वही कि एक मैच में 3 विकेट भी इनको मिल सकती है हैरिस ओक को। तो दोस्तों फास्टर बॉलर्स भी हैं, ये भी आप समझ सकते हैं कि देखिए टिम साउथी, हैरिस ओक, मिचेल सेंटर, ये तीनों एक ऐसे सेफ प्लेयर रहेंगे जो कि अगेंस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों, ठीक है। टिम साउथी का आप देखें ग्राउंड पर भी बढ़िया है, ग्राउंड पर भी विकेट ले रहे हैं और अगेंस्ट में भी पाकिस्तान के ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हैरिस ओक को देख रहे हैं, हैरिस ओक भी भाई अगेंस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 6 मैचेस में 14 विकेट है और उसके साथ एक इनिंग यहाँ पे इस ग्राउंड पे भी बॉलिंग करें, 1 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मतलब ये सेफ प्लेयर रहने वाले दोस्तों। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप जरूर ट्राई करिए। साइंस अफरीदी की हम बात करें दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे हेड टू हेड बॉलिंग में 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, 8 विकेट, इनका भी परफॉर्मेंस ठीक है इस ग्राउंड पे, 1 इनिंग 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं। साइंस अफरीदी इस ग्राउंड पे भी बढ़िया कर रहे हैं, तो मतलब साइंस अफरीदी, टिम साउथी और उसके बाद हैरिस ओक, मिचेल सेंटर, 4 प्लेयर होंगे जो कि इनको साथ आप जा सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है ग्राउंड पे भी हेड टू हेड में भी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें बेंच प्लेयर देख सकते हैं दोस्तों, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एंड न्यूजीलैंड के जो फिलहाल परफॉर्मेंस है मतलब दोनों टीम के जो हेड टू हेड में बढ़िया कर रहे हैं, इसमें डेविन कोहनी देखिए 38 की एवरेज से, केन विलियमसन 35 की एवरेज से, बाबर आजम 44, इफ्तिकार अहमद 66 की एवरेज, हैरिस ओक 6 इनिंग में 14 विकेट लेकर के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे टीम साउथी का भी परफॉर्मेंस बढ़िया, वेन्यू पर भी बढ़िया है एंड गेस्ट में भी बढ़िया है। डेविन कोहनी वेन्यू की बात करें, वेन्यू पे डेविन कोहनी 93 रन पारी खेल रहे हैं, 93 रन यहाँ पे मारे थे, 94 रन मारे थे सॉरी। ग्लेन फिलिप्स भी यहाँ पे काफी अच्छी पारी, 58 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम यहाँ पे 65 की एवरेज से इस ग्राउंड पर बैटिंग कर रहे हैं। मिचेल सेंटर की बात करें दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे 3 इनिंग में 5 विकेट लेकर के जा रहे हैं। टीम साउथ यहाँ पे 4 इनिंग में 6 विकेट लेकर के जा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे 3 इनिंग में 8 विकेट लेकर के जा रहे हैं। इफ्तिकार अहमद इस ग्राउंड पे 4 मैचेस में 66 रन मार रहे हैं, 66 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं। शादाब खान यहाँ पे 52 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं तो 1 इनिंग में 2 विकेट लेकर के जा रहे हैं। साइंस अफरीदी 1 मैचेस में 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं इस ग्राउंड पे। अब यहाँ पे हेड टू हेड एंड वेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेविन कोहनी, बाबर आजम, इफ्तिकार अहमद, मतलब सभी बढ़िया होने वाले यहाँ पे दोस्तों। अगर हम बात करें टॉप डिसमिसल की, तो ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पे साइंस अफरीदी, हैरिस ओक ने दोनों ने आउट किया है। साइंस अफरीदी ने 6 बॉल में 5 रन दिए और 2 बारी आउट किया है, और हैरिस ओक ने 21 बॉल में 26 बारी आउट किए, 26 रन दिए और 2 बारी आउट किया। तो आप समझ सकते हैं ग्लेन फिलिप्स कहीं ना कहीं रिस्की रहने वाले। मोहम्मद नवाज को टिम साउथी ने 11 बॉल में 5 रन दिए, 2 बार आउट किया है। मोहम्मद रिजवान को इस सोती ने 15 बॉल में 21 रन दिए, 2 बार आउट किया है। टिम साउथी को 45 बॉल में 45 रन दिए हैं टिम साउथी ने, मोहम्मद रिजवान को 2 बार आउट किया है। और उसके बाद बाबर आजम को भी टिप साउथी लेकर के जा रहे हैं, 55 बॉल में 48 रन, 2 विकेट आउट, 2 बार आउट। केन विलियमसन यहाँ पे शादाब खान केन विलियमसन को आउट कर रहे हैं, 65 गेंद खिला करके 67 रन, 2 बारी आउट। तो मतलब ये टॉप डिस्पेशल रहने वाले दोस्तों, ठीक है। ये मतलब आप देख सकते हैं किसको कौन आउट कर सकता है, तो उस हिसाब से भी आप टीम को बना सकते हैं। बाकी मेरी टीम क्या रहेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल जो अभी प्रेडिक्शन और वेन्यू रिकॉर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मैंने दिखाए, तो उसके हिसाब से मैंने 2 टीम बनाई है। बाकी 5 टीम की वीडियोस जो है फिलहाल मैंने पहले ही अपलोड कर दी चैनल पर, तो जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये जो भी प्रोडक्शन के हिसाब से मैं बताना चाहूँ कि किस प्रकार से हम टीम बना सकते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखते हुए, वेन्यू रिकॉर्ड्स देखते हुए, टॉप डिस्मिसल देखते हुए, दोस्तों यहाँ पे कैप्टन टीम साउथी, वाइस कैप्टन हैरिस ओक, जिस हिसाब से इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है, वेन्यू रिकॉर्ड्स है, तो ये बढ़िया परफेक्टली रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों, ठीक है। और टीम का सिलेक्शन इस प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि टीम साउथी बाबर आजम को लेकर के ज्यादा आउट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम टीम साउथी को कैप्टन बना रहे हैं, तो बाबर आजम को हम ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी पहली टीम रहेगी। ग्लेन फिलिप्स को भी हैरिस ओक आउट कर रहे हैं, बट यार ठीक है फिर भी हमने ट्राई कर लिया पहली टीम। दूसरी टीम की हम बात करते हैं, मिचेल सेंटर और साइंस अफरीदी, इन दोनों का भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो मिचेल सेंटर को हमने कैप्टन कर लिया, वाइस कैप्टन साइंस अफरीदी को। मिचेल सेंटर अगर हम कैप्टन कर रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के बैट्समैन का जो है सिलेक्शन बहुत कम कर रखा है, कि जहां तक मुझे लग रहा है बढ़िया विकेट मिल सकती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर रहा हूँ, ग्लेन फिलिप्स को हमने वहाँ पे रखा है टीम में उस वाले में, तो आप यहाँ पे बाबर आजम को ट्राई कर लीजिए। ये 2 टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड, टॉप डिस्पेशल देख करके मैंने बताइए। अब 5 टीम का वीडियो जो है फिलहाल मैंने पहले भी अपलोड कर दिया। अब एक चीज जो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन अलग रखते हैं, 2 टीम मैंने बता दी, ठीक है, ये बहुत रिस्की रहेंगे और ग्रैंड लीग भी विन करा सकते हैं। और एक टीम में आप देखिए डेविन कोहनी को कैप्टन कर लीजिए, बढ़िया परफॉर्मेंस हेड टू रिकॉर्ड्स में, बाबर आजम को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स बहुत रिस्की है, ठीक है, बट फिर भी अगर ट्राई करना चाहते तो ग्लेन फिलिप्स का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के साथ। ट्रेंट बोल्ट वेन्यू पे बढ़िया कर रहा है, ग्लेन फिलिप्स भी वेन्यू पे बढ़िया कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टॉस के बाद लाइनअप अनाउंसमेंट के बाद आपको सारे के सारे टीम जो है 5 टीम वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेइंग में अगर चेंजमेंट भी होता है तो वहां पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। होप आपको वीडियोस पसंद है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे प्रेडिक्शन वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल चैनल का जो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर दबा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।